रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। हम लास्ट वीडियो में अदर बेनिफिट डिस्कस कर रहे थे। हमने मेडिकल अलाउंस और मेडिकल फैसिलिटी की टैक्सेशन को डिस्कस किया था। आज हम देखते हैं स्पेशल अलाउंस को। जब हम सैलरी के चैप्टर में कि पहले वीडियो में हम सैलरी की डेफिनेशन डिस्कस कर रहे थे, वहाँ पर भी मैंने बताया था कि अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कोई भी पेमेंट या कोई भी बेनिफिट या परक्विजिट या अलाउंस उसकी ड्यूटीज को परफॉर्म करने के लिए दे रहा हो तो वो क्या होगी, सैलरी का पार्ट नहीं बनेगी, वो क्या होगी, एग्जेम्प्ट होगी। मीट एक्सपेंसेस होली एंड नेसेसरली इनकर्ड इन द परफॉर्मेंस ऑफ द ड्यूटीज ऑफ एन ऑफिस और एम्प्लॉयमेंट ऑफ प्रॉफिट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, तो वो सारी की सारी क्या होगी, एग्जेम्प्ट होगी। उसके अलावा एम्प्लॉयज़ को क्या मिलता है, WPPF एक फ़ंड है, ये पंजाब गवर्नमेंट ने एक एक्ट बनाया हुआ है, उसके मुताबिक हर कम उन्होंने उसके अंदर अपने क्राइटेरिया दिया हुआ है कि किसी भी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस ने उसके नंबर पर अगर एम्प्लॉयज़ इतने हैं या उसके प्रॉफिट अगर इतने हैं, तो फॉर एग्ज़ाम्पल जो भी क्राइटेरिया है उन्होंने अपने प्रॉफिट का 5% एक जो भी पंजाब गवर्नमेंट के पास, जो उन्होंने अगर पंजाब गवर्नमेंट ने एक बॉडी बना दी होगी वहाँ पर आपने क्या करना है, डिपॉजिट करना है। जब उस रेलेवेंट कंपनी के एम्प्लॉयज रिटायर होंगे, कोई एम्प्लॉय छोड़कर जाएगा, तो फिर पंजाब गवर्नमेंट उसको क्या करेगी, उस फंड में से पेमेंट करेगी। तो उस WPPF जो फंड है उसमें से अगर कोई एम्प्लॉय को रिटायरमेंट के वक्त अगर कोई पेमेंट मिलती है, चाहे वो एनुअल एनुअल भी हो सकती है, या वो कह सकते हैं मुझे इकट्ठी चाहिए, मुझे रिटायरमेंट के बाद चाहिए, या अगर कहते हैं मुझे एनुअली चाहिए जस्ट लाइक बोनस टाइप, तो वो क्या होगी, एग्जेम्प्ट होगी। अगर कहते हैं कि मुझे इकट्ठी चाहिए 10 साल के बाद, तो उस अमाउंट पर एक इंटरेस्ट 5% 7%, जिस तरह मैंने इस लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि क्योंकि वो अब पैसा किसका है, एम्प्लॉय का है, इंडिविजुअल का है, वो पड़ा हुआ किसके पास है, गवर्नमेंट के पास पड़ा हुआ है, तो उस पर एक इंटरेस्ट को एक इंटरेस्ट दे रहे होंगे एज ए लोन। मतलब ये है कि एम्प्लॉय ने लोन दिया हुआ है उस पर वो इंटरेस्ट एक्यूमुलेट कर रहे होंगे, तो वो क्या करेगा, उसको एक्यूमुलेटेड बैलेंस एम्प्लॉय को अगर जब मिलेगा वो क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा, उस पर कोई टैक्स वगैरह नहीं होगा। अब कुछ और प्रोविजंस भी हैं, बेनिफिट्स हैं जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे रहा होता है, हम यहाँ पर वो देखते हैं। वो कहते हैं कि द फॉलोइंग प्रोविजंस या बेनिफिट्स आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, मतलब ये हमारी टैक्सेबल सैलरी का पार्ट नहीं बनेंगे। जैसा कि हम देखते हैं कि होटल्स में क्या कर रहे होते, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो वहाँ पर दोपहर टाइम खाना खा रहे होते हैं, वैसे चलते फिरते कुछ ना कुछ खा लेते हैं। यहाँ पर है कि फ्री और सब्सिडाइज्ड फूड प्रोवाइडेड बाय होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स टू इट्स एम्प्लॉयज़ ड्यूरिंग ड्यूटी आवर्स, तो उस इंडिविजुअल की उस एम्प्लॉय के लिए वो जो बेनिफिट होगा वो टैक्सेबल नहीं होगा, वो एग्जेम्प्ट होगा। जैसे टीचर की अगर एक स्कूल में एक टीचर है या कोई और डिपार्टमेंट में एडमिन में है, फाइनेंस में एक इंडिविजुअल है, एक स्कूल के अंदर अगर उसके बच्चों को वहाँ पर फ्री में एजुकेशन दी जाती है, तो जो बेनिफिट उसको मिल रहा है वो क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा, वो उसकी टैक्सेबल सैलरी का पार्ट नहीं बनेगा। अगर एक डॉक्टर है या हॉस्पिटल में डिफरेंट डिपार्टमेंट में कोई एम्प्लॉय है, उसको कोई ट्रीटमेंट फ्री में हॉस्पिटल दे रहा है या उसकी फैमिली को दे रहा है, तो वो बेनिफिट भी उसका टैक्सेबल सैलरी का पार्ट नहीं बनेगा, वो एग्जेम्प्ट होगा। या हर वो परक्विजिट जो बिजनेस को देने के लिए कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट ना इनका करनी पड़ रही हो, वो क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा। एक्स्ट्रा कॉस्ट किस तरह से है, अब एक बिजनेस है उसका काम है लोन प्रोवाइड करना, फॉर एग्जाम्पल अगर वो अपने एम्प्लॉय के बच्चों की एजुकेशन की फीसेज देता है, उनको फ्री में पढ़ाता है, उन खर्चे खुद बियर करता है, तो वो क्या होंगे, उसकी एक उसको एक एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ रही होगी, उसका नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है, तो उसके यहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट क्या हो रही होगी, इनकर हो रही होगी। मार्जिनल कॉस्ट आप कैफ 8 में डिटेल में पढ़ेंगे, वो क्या होगी, सारी की सारी क्या होगी, टैक्सेबल होगी, क्योंकि बेनिफिट मिल रहा है। अगर एक स्कूल ही में अपने टीचर के बच्चों को क्या देता है, फ्री में एजुकेशन देता है, तो वो क्या होगी, सारी की सारी एग्जेम्प्ट होगी, क्योंकि उसमें वहाँ पर कोई भी आपको मार्जिनल कॉस्ट इनकर नहीं हो रही होती।